वेजस क्राइम सिमुलेटर वर्सेस रोबीरो वेस्ट टाउन। दोनों गेम को एक ही डेवलपर ने बनाया है, इसका नाम है नेक्स्टिक। तो दोस्तों दोनों हुई ना भाई भाई। मेरा भाई तू मेरी जान है, बस कर छोटे रुलाएगा क्या? अबे छोटा तो तू ही रे, अभी मैं तुमसे बड़ा हूँ। तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं बताता हूँ कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। लॉन्च डेट, रोबीरो वाइस टाउन 14 जुलाई 2016 को लॉन्च हुआ था। वेजस क्राइम सिमुलेटर 3 जून 2015 को लॉन्च हुआ था। तो इनमें से बड़ा है वेजस क्राइम सिमुलेटर। चाहे कोई भी बड़ा हो लेकिन खेलना मुझे ही ज्यादा पसंद करते है। चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम। कैरेक्टर वेजस क्राइम सिमुलेटर में दोस्तों ये इसका मेन कैरेक्टर को छोड़ के तीन कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। उनमें से पहला है सुपर हीरो, दूसरा है ट्रांसफॉर्मर, तीसरा है टैंक ट्रांसफॉर्मर। रोप हीरो वाइस टाउन में इसका मेन कैरेक्टर रोप हीरो को छोड़कर सात कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। पहला है सुपर हीरो, दूसरा है ट्रांसफॉर्मर, तीसरा है एयरक्राफ्ट ट्रांसफॉर्मर, चौथा है ट्रांसफॉर्मर बाइक, पांचवा है ट्रांसफॉर्मर बॉल, छठा है टैंक ट्रांसफॉर्मर और सातवा आखिरी वाला है म्युटेंट। वेजस क्राइम सिमुलेटर के मुकाबले रोप हीरो वाइस टाउन में चार कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलते हैं। होम, वेजस क्राइम सिमुलेटर में ये घर देखने को मिलता है और ये घर में हम अंदर भी जा सकते हैं। और रोप हीरो वाइस टाउन में दोस्तों हम इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि दोस्तों रोप हीरो ने इसकी चाबी कहीं घुमा दी ही है लगता है। वॉकिंग प्लस रन, तो दोस्तों वेजस क्राइम सिमुलेटर में ऐसे चलता है और ऐसे भागता है, रोप हीरो वाइस टाउन में ऐसे चलता है और ऐसे भागता है। स्विमिंग, तो वेजस क्राइम सिमुलेटर में ऐसे स्विमिंग करता है और रोप हीरो वाइस टाउन में ऐसे स्विमिंग करता है। पुलिस बूस्टेड, तो दोस्तों वेजस क्राइम सिमुलेटर में अगर हम पुलिस की यहाँ पर गाड़ी में बैठ जाए तो वहाँ पर पकड़ के जा निकाल के जगह पे ही हमें मारने की कोशिश की जाती है। पर रोप हीरो वाइस टाउन में अगर हम यहाँ पर किसी भी गाड़ी में हम बैठ जाए और पुलिस आकर हमें निकाल ले तो वो डायरेक्ट हमें जेल में डाल देती है। तो दोस्तों इनमें से मुझे सबसे ज़्यादा रोप हीरो वाइस टाउन अच्छा लगा। आपको कौन सा गेम अच्छा लगा कमेंट जरूर करना।